सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सब लोगों ने ये तो पढ़ा ही है कि इट इज सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ का मतलब ये है कि जिस कानून के अंतर्गत सारे कानून आते हैं उसे सुप्रीम लॉ बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ का मतलब है जिस कानून के अंतर्गत सब बंधे हुए हैं, और उसको इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है कि अभी आप देख रहे हो ना, जब चुनाव हो रहे हैं तो अब की बार चुनाव जो लड़ा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हटने देंगे, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को तो अब बाबा साहब अम्बेडकर आ जाए तो ही नहीं हटेगा, फिर भी ये चल रही है लड़ाई, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें हमारे सारे अधिकार मिले हुए हैं, और कोई सा दुनिया का कोई सा देश उसके कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आप देखते हो ना, पाकिस्तान में सरकारें बहुत तेजी से गिरी और वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण ये था कि वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन नहीं बनाए जिसकी वजह से वहां पर कोई भी आदमी बहुत पावरफुल हो गया। हमारे यहां पर ऐसा चेक एंड बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जितने कानून हैं भारत के, जितने कानून हैं, कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंगेंस्ट नहीं हो सकता। यदि कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंगेंस्ट है तो एक सजग प्रहरी सुप्रीम कोर्ट को बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है, हाई कोर्ट भी उन कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। थोड़ा सा भारत के संविधान को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड में हमें जाना चाहिए कि कैसे ये यहां तक इस स्थिति में आया। देखो क्या था कि भारत में एक मुगल एम्पायर था, और वो मुगल एम्पायर धीमे 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 टूटने लग गया था, और मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के समय में सबसे बड़ा हुआ, उससे थोड़ा सा छोटा अकबर का था, लेकिन औरंगजेब ने साउथ में बढ़ा दिया, फिर अफगानिस्तान और ईरान तक बढ़ा दिया, ये सारा का सारा इसी में आता था, लेकिन वो इधर से उधर भागता रहा। अकबर का एस्टेब्लिश था, अकबर का साम्राज्य सबसे बड़ा था उस रूप में। और देखा जाए तो पुराने में चले जाए तो समुद्रगुप्त का शासन सबसे बड़ा था, जिसे हम कई बार कहते हैं कि इतना बड़ा ग्रेटर इंडिया होता था। तो ये शासन तंत्र इस तरह चलते रहे, छोटे हो गए, बड़े हो गए, और बड़े और छोटे राजाओं के व्यक्तित्व पर निर्भर किया। अकबर का अपना ऐसा व्यक्तित्व जो 11.5 साल की एज में राजा बन जाता है, पंजाब के कालानूर में उसके राजतिलक होता है, और उस छोटी सी सेना से और अपने बुद्धि बल पर धीमे 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 एक अच्छी सत्ता स्थापित करता है राजपूतों के साथ, वैवाहिक संधियां अर्थात रिश्तेदारी बनाता है, और वो रिश्तेदार उसके लिए उस साम्राज्य को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो वो साम्राज्य धीमे धीमे क्या हुआ, छोटा हुआ। जब छोटा हुआ तो उनके जो जगह 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 सिपह सैलार थे और जो छोटे छोटे नवाब थे वो पावरफुल हो गए थे। जब वो पावरफुल हो गए थे तो उसी समय अंग्रेजों का आगमन हुआ। देखा जाए तो थोड़ा सा और पीछे चलें तो कुछ लोग अकबर के टाइम पे आए, कुछ लोग जहांगीर के टाइम पे आए। तो जहांगीर के टाइम पे जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार करने के लिए उन्होंने जगह मांगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लो व्यापार। व्यापार जब करने आए तो अकेले अंग्रेज नहीं आए थे, चार यूरोपियन कंट्रीज के, चार देशों के लोग आए। पुर्तगाल के लोग आए जिन्हें पुर्तगीज बोलते थे, हॉलैंड के लोग आए,
जिन्हें डच बोलते थे, और इंग्लैंड के लोग आए जिन्हें इंग्लिश बोलते थे, और कौन से रह गए, हाँ फ्रांस के जो लोग आए तो वो फ्रेंच कहलाते थे, ठीक है। अब वो उनकी आपस में यूरोप व्यापारी थे, क्योंकि उस एरिया में आप देखोगे तो ये वाला एरिया है, ये लोग यहाँ के रहने वाले, ये सारे ये वाले देख रहे हो ना, तो ये वाला एरिया बहुत ठंडा एरिया है, ज्यादा कुछ है नहीं इनके पास, ये लोग व्यापार करने के लिए यहाँ से, पहले तो कुछ लोग यहाँ से घूमते घूमते यूं आए, ये यहाँ से यूं घूमते हुए यहाँ आए, तो ये यहाँ के गुजरात में आ गए, तो यहाँ से इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। फिर एक बाद में क्या हुआ कि शासन को कैसे बढ़ाया जाए, तो एक लॉर्ड वेलेजली आया था, तो लॉर्ड वेलेजली वहां की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो क्या करता था कि वो कहता था राजाओं को, जो नवाब आपस में लड़ते रहते थे, राजा हिंदू राजा मुस्लिम राजा आपस में लड़ते रहते, सत्ता संघर्ष थे उनके आपस ही, क्या हम आपको सेना दे देते हैं, लेकिन हमारी ये है थोड़ी सी जमीन दे देना हमें आप, तो जो जीत जाता था उसके तरफ होते थे और उससे जमीन ले लेते थे, और उसमें इस संधि को बोला गया सहायक संधि, ऐसे सहायक संधियां कर करके वो जमीन जगह जगह उनकी हो गई, फिर जिस राजा ने दी उसी के साथ लड़ बैठते थे, तो उसके राज्य को कब्जा लेते थे, और साथ में इनमें आपस में लड़ाई होती थी, और खास तौर से दो दो देशों के लोग सबसे ज्यादा लड़ते थे, एक तो फ्रेंच और इंग्लिश। आप लोगों ने ये सब ने पढ़ा होगा कि डुप्ले की असफलता के कारण लिखी है, पहले पढ़ते थे ना, तो डुप्ले कौन था, डुप्ले क्या क्या फ्रांस का एक गवर्नर था, जो यहाँ पे साउथ में फ्रांसीसियों के लिए व्यापार का काम कर रहा था, जैसे इनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ही चारों की अपनी अपनी कंपनियां होती थी, लेकिन इसमें क्या है अंग्रेज सफल रहे। अंग्रेज क्यों सफल रहे, सारे के सारे क्या ये लोग बुद्धिमान तो थे ही थे, समझदार थे, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग वैसे ही पाखंडी हैं, मूर्ति पूजक हैं, सांपों की पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन्हीं में ये उनके ये सोच रहे हैं कि सब कुछ होगा, तो इन सबको धीमे 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 हरा दिया। कितने से लोग आए होंगे आपको पता है, मात्र 3.5 लाख, वो 3,500 सारे भारतीयों को कब्जा कर लिया धीमे धीमे धीमे। क्यों, क्योंकि वो समझदार थे, यहाँ के लोग समझदार नहीं थे, और उस समझदारी अच्छा दूसरे कुटिल भी थे, यहाँ के लोग कुटिल नहीं थे, सीधे साचे थे, पूजा अर्चना कर रहे वो तो अलग बात है, ये प्रकृति की पूजा करना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति में ही परमात्मा है, तो उस रूप में वो पूजा करते थे, लेकिन उन्हें क्या लगा वो कुटिल थे, उन कुटिलता के कारण वो बहुत बढ़ गए, और धीमे 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 बंगाल पर उन्होंने शासन कर लिया। बंगाल पर शासन इसलिए किया कि वहां के जो नवाब थे उनमें आपस में एक झगड़ा था, और वो उसमें वहीं का एक नवाब था मीर जाफर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मीर जाफर एक तरह से दो लोगों को, दो तीन लोग हैं इतिहास में जिन्हें ये कहते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना है रावण का, रावण में उसका भाई के लिए विभीषण, उसको उस रूप में सही नहीं मानते, लंका घर का भेदी लंका ढाए, तो वो विभीषण के लिए ही आती है बात। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, जिसने पृथ्वीराज के साथ, नाम याद नहीं था आप लोगों को, हाँ तो उनके साथ भी ऐसा आदमी था जिसने घात लगाई थी, ऐसे नवाबों में मीर जाफर भी ऐसा ही व्यक्ति था, तो ये लोग जो थे इनकी वजह से अंग्रेज बंगाल में अपना शासन करने लगे। जब शासन करने लगे तो उन्होंने ये सोचा, शासन तो यहाँ के लोगों के ऊपर कर रहे हैं ना, तो कौन से कानून से करें, वो कानून सबसे पहले उन्होंने
यहां जो कानून, जिससे कानून की यूज के हो रहा था, उसमें सबसे पहले मनुस्मृति को उन्होंने लिया और मनुस्मृति को ट्रांसलेट कराया एक कोड ऑफ जेंटुलॉस के नाम से। पर उसने देखा कि यार ये तो कोई सिस्टमेटिक नहीं है, तब वो अपना कानून लाए और सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट को लाए और अपना सिस्टम वहां बनाया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित हुआ कलकत्ता में और एलिजा इम्पे उसके सबसे पहले जज भी बने सुप्रीम कोर्ट के। कलकत्ता को ही उन्होंने राजधानी बनाया, भारत की राजधानी कलकत्ता बनी उनके लिए सबसे पहले। 1911 में उन्होंने फिर दिल्ली को राजधानी बनाया और एलिजा इम्पे वहां की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस होते थे। फिर उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट लाए, ऐसे करके कंटिन्यू बहुत सारे एक्ट लाए। तो ये एक्ट जैसे जैसे आते गए तो आप देखोगे खास तौर से एक सुधारों का समय शुरू होता है। सुधारों का समय इसलिए शुरू हुआ कि अफ्रीका चूंकि अंग्रेजों का ही देश था, अंग्रेज वहां भी शासन कर रहे थे, भारत में भी कर रहे थे, तो जाने आने की कोई ऐसा कारण नहीं था कि कोई रोक टोक हो। तो यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे वहां पर वकालत करने जाते थे, उनमें गांधी जी भी वकालत करने गए। तो गांधी जी का एक स्वभाव था, किसी भी काम के प्रति जिद होती थी उनकी। तो एक घटना सब लोग जानते हैं, ट्रेन से उतार देना, और उसके लिए उन्होंने वहां आंदोलन शुरू किया, उन्हें सफलता मिली। लेकिन वो सारे आंदोलन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर करते थे, तो अंग्रेज वहां हार जाते थे, लड़के नहीं जीत सकते थे उनसे क्योंकि वो बुद्धिमान थे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनसे सब हार जाते थे। भारत की जो आजादी मिली है लड़ाई से नहीं मिली है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही मिली। क्योंकि गांधी जी ने क्या शुरू किया, सबने अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनय कर रहे हैं लेकिन हम तो अवज्ञा करेंगे, है ना। तो इस तरह के आंदोलनों को जब उन्होंने शुरू किया वहां सफलता मिली। गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु होते थे और जब वो इंडिया में 1914 में आए तो यहाँ पर भी शुरुआत होने लगी। तो एक सुधारों का समय शुरू हुआ 1909 में। तो 1909 का एक सुधार का कानून आया, उस कानून में कुछ कुटिल चीजें उन्होंने डाल दी थी। 1919 का आया, उसमें और कुटिलता ज्यादा डाल दी थी। अब 1900 हर 10 साल में सुधार होने थे, 1929 में आना था, जो 1929 में कानून आना था उससे पहले ही उन्होंने कहा, इधर भारत में एक डिमांड चल रही थी कि हमें हमारा राज्य करने दो, हम ही हम हमारा डेवलप करेंगे। तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि हम चलाएंगे वो अपना राज्य, हमें ज्यादा प्रतिनिधित्व दो। बोले तुम्हारे, अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम अपना राज्य चला सको। बोले नहीं नहीं हम चला सकते हैं। तो बोले ठीक है अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताओ। तो पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय के सबसे बड़े वकील थे और इन लड़ाइयों में भी थे। तो जब इन लड़ाई में थे तो उन्होंने कहा कि आप बनाओ अपने लिए कानून, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो सबसे पहले उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की जवाहरलाल नेहरू की बहुत गहरी दोस्ती थी। उन्होंने कहा लड़को तुम दोनों मेरी सहायता करो और मैं ये एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं। तो जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, उन दोनों ने मिलकर, तीन लोगों ने मिलकर इसको बनाया, उसको पेश भी किया। फिर जो 1929 में कानून आया था वो 1935 में आया। कब आया? 1935 में आया। अब 1935 में आया तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उस समय का 1935 संविधान था। क्या था वो? 1935 का संविधान था। पहले 1919 के संविधान से, 1909 के संविधान से चल रहे थे, फिर 1919 का संविधान चला, फिर 1935 का संविधान चला। और 1935 के संविधान में भी कुछ कमियां थी, लेकिन बहुत सारी चीजें आज जो हम कुछ देख रहे हैं वो सारा का सारा हमने मैक्सिमम पार्ट 1935 के संविधान से लिया है। 1935 के संविधान के बाद 1936 में चुनाव हुए, उसमें
कई जगह कांग्रेस की, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, स्वराज पार्टी की सरकार बनी, मुस्लिम लीग की सरकार बनी, और जगह जगह अलग अलग स्टेट्स थे, उन स्टेट्स में सरकार बनी। तभी क्या हुआ कि 1938 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। एक तो पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1914 से 1918 के बीच में, और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1938 से 1942 के बीच में। उस समय क्या कि दुनिया में जापान बहुत मजबूत देश था और एक तरफ अमेरिका था। जापान क्या कर रहा था कि सबको जीतता जा रहा था, और इधर सुभाष चंद्र बोस देश छोड़कर चले गए थे, और उन्होंने जर्मनी गए, जापान गए, वहां जो बाहर लोग रह रहे थे हमारे, क्योंकि आधी दुनिया पे अंग्रेजों का राज्य था तो कोई वीजा लेना नहीं होता, सब लोग यहाँ से वहां जा सकते थे, कहीं पर भी जाने आने की कोई समस्या नहीं थी। तो दुनिया भर के जो लोग बाहर रह रहे थे उन लोगों से ही एक अपनी आर्मी तैयार की और उस आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने जर्मनी में जाके भी वहां के शासक को कहा, फिर वो जापान गए तो जापान वालों ने कहा कि नहीं ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जापान वालों ने क्या काम किया कि इधर वाला जो एरिया है ना, आज जो बांग्लादेश वाला एरिया है, इस एरिया पर और नीचे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इन पर वो बमबारी शुरू कर दी। जब बमबारी शुरू कर दी तो गांधी जी बहुत विचलित हुए कि जापान बहुत मजबूत है, और चूंकि ब्रिटेन और अमेरिका हमेशा एक रहे उसके पीछे कारण है, ब्रिटेन के लोग सारे अमेरिका में बस गए, सारे ब्रिटेन के ही लोग हैं अमेरिका में जितने लोग हैं अधिकतर, और वो जो मेन लोग हैं जिन्हें आप निगो कहते हो, रेड इंडियंस कहते हो, वो मूल निवासी है वहां के। जैसे भारत के मूल निवासी असली तौर पर कहा जाए तो मूल निवासी कौन है, आदिवासी, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, असली तौर पर तो भारत के मूल निवासी वही है। तो चूंकि शुरुआत तो उनसे ही हुई है, फिर भारत में तो ये सब मध्य एशिया से आने वाली जातियां हैं, भारत में भी जितने आर्य आए जितने भी वो सब लोग तो वही हैं, या फिर द्रविड़ जितने लोग हैं साउथ के वो भारत के पुराने प्राचीन निवासी हैं। ऐसे करके पूरी दुनिया में हमेशा ऐसे सेट होते रहे हैं, होते रहेंगे, और ये कोई नई बात कभी भी नहीं रही है। तो ऐसे उस समय का जो 1942 में जब उन्होंने बमबारी शुरू कर दी बांग्लादेश और उस एरिया पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया, उन्होंने नाम भी रखे उन्होंने। अच्छा, उधर हमारे सुभाष चंद्र बोस बाहर से देश को आजाद कराने का बहुत प्रयास कर रहे थे। तो ये उनकी ड्रेस है जो पहने बैठे दिखाई दे रहे हैं फोटो में, ऐसे ही रहते थे। तो प्रयास किया उन्होंने, वो वहां बाहर से करे, बहुत सारे लोगों का प्रयास रहा। तो गांधी जी को लगा कि भाई अंग्रेजों से कहो कि तुम तो भारत छोड़ो। तब उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ, पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया। मतलब अंग्रेजों की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, टेलीफोन लाइन है, ये सब चीजें उखाड़ना शुरू कर दिया। अरे प्रिंसिपल साहब कहां हो, क्लास में हूं अभी तो, मैं फोन नहीं उठा पा रहे थे, आप कहां थे, कहीं बाहर थे। तो इतना अस्त व्यस्त हो गया, जब टेलीफोन की लाइन है, रेलवे लाइन है, सब ट्रैक उखाड़ना शुरू कर दिया। तो ट्रैक उखाड़ना शुरू किया, अंग्रेज पस्त हो गए, उन्होंने कहा कि अब इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी ने कहा कि भाई हमारे देश को जैसी भी स्थिति है ना वैसी छोड़ जाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो अराजकता फैल जाएगी तो हम ऐसी स्थिति में छोड़ के चले जाएंगे, हम जून 1947 तक आपको आजादी दे देंगे, तब तक कैसा सिस्टम बनाना चाहते हो वैसा सिस्टम बनाने की कोशिश करो, बिना सिस्टम के कोई देश नहीं चल सकता, सिस्टम तो तुम्हें पहले ही बनाना पड़ेगा ना। तो गांधी जी बोले ठीक है हम सिस्टम बनवाते हैं अपना। तो सिस्टम बनवाते हैं, तो एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा में क्या था कि सभी जगह से, खास तौर से क्योंकि राजाओं के शासन खत्म नहीं हुए और राजाओं का अपना दखल था और अंग्रेजों का उनको सपोर्ट था, राजा और नवाब, मतलब मुस्लिम राजाओं को नवाब बोलते थे तो मुस्लिम राजाओं की भी कमी नहीं थी, नवाब भी थे और ये थे, तो इनके भी प्रतिनिधि लिए गए, यही राजा खुद आके बैठे और संविधान सभा में संविधान बनने का काम शुरू हुआ। और कुछ चूंकि राजनीतिक दल बन गए थे अलग अलग पार्टीज के, मुस्लिम कांग्रेस 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस एओ ह्यूम ने बनाई थी,
वो कहानी मैंने क्या छोड़ दी, क्योंकि यदि टाइम होता, मैंने बहुत बहुत संक्षिप्त कर दिया, टाइम होता तो यदि किसी को एंजॉय आता है इसमें, तो 40 एपिसोड में, कितने 40 घंटे में, 40 घंटे के यूट्यूब चैनल पर संविधान कथा पड़ी हुई है, जो मैंने ही अपनी लैंग्वेज ऐसे ही मैंने सुनाई है। वो कोरोना जब चल रहा था तो काम कुछ था नहीं, सब कुछ बंद था, तो अपने इसी मोबाइल को ले जाके और मैं अपने केबिन में, बापू नगर वाले केबिन में, वहां से घर पीछे घर था, वहां से निकलकर वहां बैठ जाते थे, और रोज गर्मियों के दिन थे तो रोज 4 से 5 संविधान कथा सुनाता था। 40 दिन कंटिन्यू की, नॉन स्टॉप की, किसी भी दिन छुट्टी नहीं की, तो 40 घंटे है वो। पर उसमें संविधान का आगे जहां से संविधान बनना शुरू हुआ वहीं स्टॉप कर दिया था, मतलब वो 26 जनवरी 1950 से पहले की कहानी है। जो संविधान अभी पढ़ेंगे इसकी कोई कहानी नहीं है। ये कैसे इस अस्तित्व में आया? हम कहें कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक संविधान सभा के लोग बैठे और उन्होंने बना दिया, तो ये क्या सब बिल्कुल बात बेमानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो 1773 से ही चला आ रहा है डेवलपमेंट, वहां से ही लेना पड़ेगा, जहां से बीज लगाया वहां से ही करना पड़ेगा, जहां से बीज से पहले आपने खेत की तैयारी की वहां से शुरू करना पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए शुरुआत हुई, और उसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और भारत था आज का, इन सब के लिए एक ही संविधान बनाने, सारे लोग एक साथ संविधान बना रहे थे। पाकिस्तान जो संविधान आज आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान के लिए भी यही बना था, अलग नहीं बना था, पाकिस्तान बाद में अलग हुआ। तो एक संविधान सभा बनी, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को शुरू हुई, और सच्चिदानंद सिन्हा तो सबसे पहले वो उसके अध्यक्षता की, और फिर लगा कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाए। दो दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया, उनकी अध्यक्षता थी। अब बात आती थी कि इतने बड़े संविधान को 390-395 लोग ऐसे नहीं बना सकते, तो बोले कि एक कमेटी बनाई जाए। तो एक कमेटी बनाएगी 11 लोगों की, और उस कमेटी का नाम रखा गया कि ये ड्राफ्टिंग कैसे होनी है, इसका ड्राफ्ट कैसे तैयार होना है। डिस्कशन पूरे 390 लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका ड्राफ्ट कैसे तैयार करेंगे, तो ड्राफ्ट कैसे तैयार करेंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे और उनके अपने जीवन की एक कहानी है, विदेश में पढ़कर आए थे, वहां के राजा ने ही पुत्रवत इनको ले लिया था, तो पढ़ाने वढ़ाने की जो शिक्षा थी वो सारी की सारी उन्होंने कराई, और फिर इन्हें उसका चेयरमैन बनाया गया, उस कमेटी का। तो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो इनका काम ये था, जैसे इनके साथ में जो लोग थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, बी एन राव साहब थे, उस कमेटी के जो एडवोकेट थे वो बी एन राव साहब थे, ये अध्यक्ष थे। तो ये भाई आप 11 लोग मिलके इसकी ड्राफ्टिंग करके लाओ, और ड्राफ्टिंग करके लाके फिर पटल पर रखो, फिर इस पर बहस होगी, ये शब्द क्यों आया है, ये क्यों नहीं है। तो ये सिस्टम, तो एक तो तय ये हुआ कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है पहले से, कि एक तो हम फेडरल सिस्टम रखेंगे, हम इस सिस्टम को प्रेसिडेंशियल, और चूंकि लोग समझ नहीं पाएंगे एक साथ, हम तितर बितर नहीं कर सकते कानून को, तो जो सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम को हम मॉडिफाइड करेंगे, अर्थात 1935 का जो संविधान है उसी संविधान को मॉडिफाई करके हम भारत का संविधान तैयार करेंगे। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रोविजन कौन से हैं जो 1935 के संविधान में थे, वही प्रोविजन है उन्हीं में, मतलब आप ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर वही है, अस्थि मज्जा दूसरे लगाए गए लेकिन स्ट्रक्चर वही है। जैसे सबसे पहली बात तय हुई कि फेडरल सिस्टम रखेंगे, गवर्नेंस का जो सिस्टम है, शासन का जो तंत्र रखेंगे
वो फेडरल सिस्टम रखेंगे। फेडरल सिस्टम का मतलब ये था कि राज्य हैं और राज्यों का एक संघ है, और संघ एक तरफ संघ का शासन रहेगा और राज्यों का शासन रहेगा, और संघ अम्ब्रेला की तरह सारे राज्य उसमें रहेंगे। तो संघ का मतलब यूनियन, जैसे भारत की राज्य सरकार है वो यूनियन कह सकते हो, और नीचे फिर अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और कॉन्स्टिट्यूशन में इनके विषय पहले भी था, ये विषय बांटे हुए के कंकरेंट लिस्ट और ये सब लिस्टें 1935 के संविधान में भी थी। तो ये तय हो गया कि भाई चलो ठीक है ऐसा ऐसा करेंगे। फिर जो बड़ी बात थी कि हम हमारे लोगों के लिए ये सब संविधान बना रहे हैं और उनके जीवन को अच्छा करने के लिए बना रहे हैं, हमारे जितने लोग हैं उनके जीवन को अच्छा बना रहे हैं, तो उसके लिए हम फंडामेंटल राइट्स रखेंगे। उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। कौन से देश से आए हैं फंडामेंटल राइट्स? अमेरिका के संविधान से लिए। अमेरिका के संविधान से क्यों लिए? क्योंकि अमेरिका देखा जाए तो उस समय भी समृद्ध था, तो उनके पास ऐसी क्या बेस्ट चीज है जिसे हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसी कौन सी चीजें वहां से ले आओ। तो उन्होंने देखा कि वहां के लोगों के लिए, वहां के जो देश है उनमें सबसे ज्यादा प्राथमिक स्तर है तो वहां के लोग हैं, लोग से देश बनता है, हम लोगों के प्रति होंगे, इस चीज को हम वहां से उठाकर लाए। ऐसे ही देखा कि ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रीएम्बल है वो कहीं गई थी यूएनओ के जो यूएनओ चार्टर है। यूएनओ चार्टर का मतलब है कि वहां पे लिखा है हम विश्व के लोग, कौन से ऐसे यहां लिखा हम भारत के लोग। तो ये वहां से ऑस्ट्रेलिया से गई यूएनओ में, यूएनओ से फिर हमने एडॉप्ट की है। ऐसे ही और चीजें भी हम अलग अलग स्थानों से लेकर आए। तो एक तो ये, दूसरा कि सरकार को लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करना है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो उन्होंने कहा वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए कौन सी सरकार दुनिया की सबसे अच्छी काम करती है? तो उन्होंने कहा कि देखो आयरलैंड में ऐसी व्यवस्था है कि वहां की जो सरकार है केवल और केवल लोगों के वेलफेयर का काम करती है, सारे कानून उनके अनुसार बनाए जाते हैं। तो हम वहां से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लेकर आए। ऐसे ही हमने बहुत सारी चीजों को अलग 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 स्थानों से लिया। तो उसमें देखा जाए तो मैक्सिमम चीजें तो हैं 1935 के संविधान से, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये संविधान का अस्तित्व में आया, और जिस दिन बन के तैयार हुआ उस दिन था 26 नवंबर 1949 को। कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। और जब 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ तो साइन उसी दिन हो गए थे इस पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को के साइन हुए और लोगों ने भी साइन किए। जब साइन हो गए तो उन्होंने सबने एक तय किया कि देखो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 26 जनवरी। बोले कि इंपॉर्टेंट क्यों है कि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, और उस समय पूर्ण स्वराज्य की मांग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपना ये तिरंगा फहराया था, और ये बहुत बड़ी बात थी। रावी नदी के तट पर अंग्रेजों के समय में पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए तिरंगा स्थापित करना ये बड़ी बात थी। अच्छा, अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों के हो या कोई भी हो, बड़े लोगों से हमेशा ही थोड़ा सा पीछे रहे हैं, आज भी होता है, बड़े लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू के जो उस समय के तात्कालिक सबसे बड़े वकील थे, उनके बेटे थे और इस लड़ाई को लड़ भी रहे थे। हाँ, घूम रहे होते हैं फिर समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे करके तय किया सब लोगों ने कि उसी डेट को ही हम मनाएंगे। 26 नवंबर को यदि तैयार हो गया है,
फिर भी हम इसको ले जाएंगे 26 जनवरी। इसलिए 26 जनवरी 1930 की वो घटना को हमेशा याद करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया कि उस दिन हम भारत के संविधान को लागू करेंगे। उस दिन भारत एक रिपब्लिकन कंट्री बना। रिपब्लिकन मतलब गणराज्य। दो तरह के सिस्टम है, जैसे भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया है, अभी हम आ रहे हैं आगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन शब्द क्या प्रयोग किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। तो जो गणतंत्रात्मक है वो गणतंत्रात्मक क्या है, डेमो रिपब्लिकन सिस्टम क्या है। देखो, भारत में वैसे ये कहा जाता है कि हम विदेश से लाए, लेकिन मेरी अपनी धारणा अपनी मानना है, इतिहास का विद्यार्थी कभी रहने के कारण, कि भारत में गणराज्य पहले थे। जैसे चीटी गणराज्य था, वैशाली गणराज्य था, गणराज्य पहले से ही थे। गणराज्य का मतलब था गणमान्य लोग ही वोट करेंगे, गणमान्य लोग ही उसे चलाएंगे। आज भी आप देखो कि राष्ट्रपति का वोट और हम वोट जो होता है वो हम और आप लोग नहीं करते, कौन करता है? संसद के चुने हुए सदस्य और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यही वोट कास्ट करते हैं। तो सारे लोग नहीं करते, कुछ गणमान्य लोग ही ये वोट कास्ट करते हैं ऐसे करके। लेकिन वहां भी एक चुनाव होता है, ऐसा नहीं बिना चुनाव के होता हो। तो ये जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक है, ठीक है ना। तो भारत का संविधान तैयार हुआ, संविधान लागू हो गया। अब बात आती है कि इस संविधान में ऐसे क्या क्या चीजें थी जो आज हमें जाननी चाहिए, हमारे कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। कंपटीशन में अभी हम बात करें तो 7-8 क्वेश्चन आने की संभावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगी। अब 7-8 में हम इसका डिवीजन करने की कोशिश करें कि देखो, एक क्वेश्चन संभावना होती है प्रीएम्बल की। हाई कोर्ट खूब पूछता है प्रीएम्बल को। इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। दूसरा एक क्वेश्चन एक या दो भी हो सकते हैं, दो क्वेश्चन आपके संभावना रहेगी फंडामेंटल राइट से। एक क्वेश्चन यहां से संभावना रहेगी। एक क्वेश्चन जुडिशरी का आ जाएगा। एक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन पे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन अमेंडमेंट पे आ सकता है। इतने ही क्वेश्चन आने की संभावना है, पर इसलिए हम मिसलेनियस पार्ट और मान सकते हैं कि दो क्वेश्चन और मान लें। कितने हो गए है? हाँ, तो 8 से 10 के आसपास ये रहेंगे, ठीक है, अलग अलग एरिया से है, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से संभावना है आने की।